हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की यूनिट टू के थर्ड टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ विजिट इन आर्ट एग्जिबिशंस। बट इम्पोर्टेंस करने से पहले हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि एग्जिबिशन होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जिबिशन इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन। जो एग्जिबिशन होती हैं वो प्रेजेंटेशन होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया गया होता है। एंड इट डिस्प्ले और एग्जिबिट सिलेक्शन ऑफ आइटम। वहाँ पे वही आइटम एग्जिबिट होती हैं जिनको सिलेक्ट किया गया होता है। एंड एग्जिबिशन जर्नी अकर और टेक्स प्लेस विद इन म्यूजियम्स, गैलरीज, एग्जिबिशन हॉल्स एंड वर्ल्ड फेयर्स। यानी कि एग्जिबिशन जो हैं वो म्यूजियम में लगाई जाती हैं, गैलरीज में एंड ऑल्सो इन एग्जिबिशन हॉल्स में। एंड कुछ एग्जिबिशन जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं एंड कुछ परमानेंट होती हैं। यानी कि टेम्परेरी जो कि कुछ समय के लिए लगाई जाती हैं, जैसे कि एक दो दिन के लिए लगा दी गई, और कुछ परमानेंट होती हैं, जैसे कि हमारी जो आर्ट गैलरीज होती हैं कुछ, वहाँ पर एग्जिबिशन परमानेंट होती है। वहाँ पर लोग आते हैं और उनको देख के जाते हैं। आर्ट एग्जिबिशंस इंक्लूड, वहाँ पे क्या क्या होता है आर्ट एग्जिबिशंस में? पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, क्राफ्ट, स्कल्पचर, वीडियो एंड परफॉर्मेंसेस भी होती हैं कुछ आर्ट एग्जिबिशंस में। एग्जिबिशंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स। एग्जिबिशन जो हैं वो स्कूल में भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं इन द असिस्टेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और ये क्यों जरूरी होती हैं? टू डेवलप देयर थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ विजिट इन आर्ट एग्जिबिशंस। डेवलप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब बच्चे या फिर कोई भी बड़ा एग्जिबिशन में जाता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तो इससे उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है। एंड सेकेंड इज डेवलप थिंकिंग पावर। इससे थिंकिंग की पावर भी डेवलप होती है कि बच्चा सोचता है कि ये कैसे किया गया है, इसको किसने किस तरह से बनाया है। एंड थर्ड इज इट हेल्प इन मेकिंग थिंकिंग क्रिएटिव, क्लियर एंड रीजनेबल। जो थिंकिंग को है वो क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं, उसके वो रीज़न लगाता है कि वहाँ पे वो चीज़ कैसे की गई है। एंड फोर्थ इंस्पायर और मोटिवेट स्टूडेंट्स। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि वो भी कुछ ऐसी चीज़ करें। टू एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है जब वो विज़िट करते हैं आर्ट एग्जिबिशंस में। एंड इससे ये होता है कि बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं होता है, वो इन्जॉय करते हैं इसको, विज़िट को इन्जॉय किया जाता है। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एंड इंटरेस्टिंग इन एजुकेशनल प्रोसेस। ये जैसे पहले भी मैंने बोला कि इसे स्ट्रेस नहीं होता है, बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगता है और इनकी जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो भी बेनिफिशियल होता है। एंड सिग्निफिकेंट फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट। ये इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि कुछ एग्जिबिशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे टिकट लेके जाना पड़ता है, तो हाँ इससे इकोनॉमी भी बेनिफिट होती है एंड ऑल्सो कल्चरल बेनिफिट, क्योंकि ये एग्जिबिशंस कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।